जुलाई 2019 में मेरी स्किन कुछ इस तरह से थी और जुलाई 2020 में मेरी स्किन कुछ इस तरह से है। तो इस साल मैंने कुछ अच्छे से अपने स्किन का ध्यान रखा, इसलिए मेरे स्किन पे एकदम से इतने सारे पिंपल्स एक्ने वगैरह नहीं हुए। तो यह मेरा स्किन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ शिल्पा। ये है मेरा समर एंड मॉनसून स्किन केयर। जैसे मैं पहले यूज़ कर रही थी अभी समर्स में, तो प्लम के काफ़ी अच्छे लगे मुझे प्रोडक्ट। तो लेकिन मैंने सोचा कुछ मैं चेंज करती हूँ। मैं वैसे ही बहुत टाइम से सोच रही थी कि काया के प्रोडक्ट भी ट्राई करे जाएं जो एक्ने और ऑयली स्किन के लिए स्पेशली बनाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम था ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे इस महीने में ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर साल जैसे जून शुरू होता है, जून जुलाई, मुझे मेरे जो पिंपल्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं कुछ ट्राई करूँगी खुद से, क्योंकि बार बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना सही है नहीं। तो और मैंने काफ़ी टाइम से अपने कंट्रोल करे हैं प्लम के प्रोडक्ट यूज़ करके और जो और नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ करके। तो इस बार मैंने सोचा मैं काया यूज़ करती हूँ। तो ये फेस वॉश है काया का एक्ने फ्री प्योरीफाइंग क्लींजर। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। और जो डॉक्टर ने मुझे दिया था उसमें भी सैलिसिलिक एसिड ही था, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। और मैं ऑलरेडी पिछले साल भी यूज़ कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है, काफ़ी माइल्ड सा होता है, आपका एक्सेस ऑयल को निकालता है पर आपका मॉइस्चर रिटेन रखता है आपकी स्किन में, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। 50 ml की क्वांटिटी वाला लिया है, ताकि वेल फ्रेंडली है ये, तो मैं इजीली कहीं भी लेके जा सकती हूँ। सिर्फ ये 150 rupees का है और मुझे नायका पे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गया था। 110-120 अराउंड का मिल गया होगा, मुझे उतना याद नहीं है, पर अच्छा था। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, जैसे सीरम हम यूज़ करते हैं, तो इसका है ये जो है काया का कोमेडोन कंट्रोल सीरम एक्ने फ्री। काफ़ी अच्छा है ये, और ये आपके ब्लैक हेड्स को 2 हफ्ते में काफ़ी, मतलब विजिबली क्लियर्स करता है, जो आपको दिखता है कि हाँ कम हो रहे हैं। और ये बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है इसमें, और ये ऑयली स्किन के लिए है, तो काफ़ी अच्छी है मेरी स्किन के लिए। और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा डेवलप्ड किया गया है प्रोडक्ट। तो आप अगर काया के क्लिनिक भी जाओगे तो आपको यही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये फेस सीरम है, काफ़ी अच्छा है, मैं डे टाइम पे इसे यूज़ करती हूँ। और इसमें ये भी सारे जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे, जो हम ऑलरेडी जो दवाइयों में यूज़ करते हैं एक्ने के लिए, क्लियर करने के लिए, वही इंग्रेडिएंट इसमें भी यूज़ करे हैं। तो काफ़ी जेंटल है ये, और आपके जो भी कोमेडोन्स होंगे, एक्टिव एक्ने वगैरह होंगे, वो सब उसे क्लियर करने में हेल्प करेगा। और रेगुलर यूज़ करके जो जो भी आपको प्रॉब्लम है, 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छे से क्योर करेगा उसे और प्रिवेंट करेगा जो आगे आने वाले ब्रेकआउट से उसे। और जो ये है, तो मैंने जब इसे शुरू में यूज़ करा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई मेडिसिन जो मैं अपने एक्ने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे जो डॉक्टर प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी लिक्विडी कंसिस्टेंसी है इसकी, और बिल्कुल ये ऐसे जो हमें जेल्स देते हैं डॉक्टर्स, बिल्कुल वैसे ही लगता है। उसकी स्मेल भी बिल्कुल वैसी ही थी, तो मुझे लगा हाँ चल काम तो करेगा ये। और जैसे एक्ने के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसी ये आपके सिर्फ एक्ने को ही नहीं, साथ में जो आपके जो मार्क्स वगैरह हैं उनको भी हील करने में हेल्प करता है। और इसके बाद जो मेरा दूसरा सीरम है, तो ये है काया का ही ब्लेमिश कंट्रोल फॉर्मूला। ये भी एक्ने और ऑयली स्किन वालों के लिए है, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया है। और ये फेस सीरम भी, इसका भी मतलब मुझे काफ़ी मेडिकेटेड सा लगा है। तो इसमें इसका थोड़ा ये वाइट कलर में आता है, थोड़ा इसका मतलब जेल वाला फॉर्म में, जैसे पहले वाला लिक्विडी सा था, और ये थोड़ा जेल फॉर्म में है। और काफ़ी मतलब इसका स्मेल भी वैसी मेडिसिन टाइप में है। तो ये स्पेशली ब्लेमिश के लिए है। ब्लेमिश मतलब जो आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं या रैशेस पड़ते हैं, जो भी उसके कारण जो आपको रेड रेड मार्क्स या ब्लैक कुछ भी हो जाता है, तो उसको क्लियर करने में है। और ये भी पोस्ट एक्ने मार्क्स जो हैं उनको 2 हफ्ते में क्लियर करता है। और जो ये हमारा कोमेडोन कंट्रोल सीरम था, कि ये ब्लैक हेड्स, स्पेशली जो कोमेडोन है, ब्लैक हेड्स वगैरह, इसको कोमेडोन कहा जाता है, जो कि आपके पोर्स को क्लॉक करते हैं, उसके लिए है, लेकिन साथ साथ मार्क्स को भी हील करता है। लेकिन ये स्पेशली मार्क्स के लिए है, और लेकिन जो आपके फर्दर आपके जो एक्ने ब्रेकआउट होंगे उसको भी काफ़ी कंट्रोल करेगा और नहीं होने देगा ये। तो काफ़ी मतलब ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और इसको भी थोड़ा सा, मतलब मैं इसे रात को यूज़ कर लेती हूँ। इसमें टमाटो एक्सट्रैक्ट भी है जो कि लाइट करता है आपके स्किन को और इंश्योर करता है कि आपकी स्किन क्लियरर हो और आपका स्किन जो है वो इवन टोन हो जाए। और तो मैं रात को इसे यूज़ करती हूँ। इसका प्राइस 1160 है, पर ये मुझे नायका में डिस्काउंट में थोड़ा सस्ता मिल गया था। और जो ये था कोमेडोन वाला, ये 870 का है और ये भी मुझे डिस्काउंट में 600 समथिंग का मिल गया था, और ये 800 समथिंग का मिला था, मुझे याद नहीं है। और फिर इसके बाद आता है प्योरीफायर नरिशर, तो ये आपका क्रीम का काम करता है मॉइस्चराइज़र का, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है काया की तरफ से। तो ये हाइपो एलर्जेनिक है और इसमें आलमंड ऑयल, रोज़ एक्सट्रैक्ट और ये ऑयली एंड कम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिसर्च किया गया, डेवलप किया गया प्रोडक्ट है। तो ये भी आपके स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की बनाएगा, नरिश करेगा आपके स्किन को, सूथ करेगा, और जो भी इरिटेशन वगैरह हो रही है एक्ने के कारण उसे सूथ करेगा। और ये एलोवेरा है इसमें, और जो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को और सॉफ्ट और सपल बनाता है आपकी स्किन को। और ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है इसका बिल्कुल, और आपके पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा, जिससे आपके फर्दर इसके कारण कोई भी एक्ने ब्रेकआउट नहीं होगा और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। और जो आलमंड ऑयल और रोज़ है, रोज़ एक्सट्रैक्ट है, वो आपकी जो भी इरिटेशन हो रही है उसे रिड्यूस करेगी, सूथ करेगी, नरिश करेगी आपकी स्किन को अच्छे से। इसका टेक्सचर भी मतलब ऐसे थोड़ा हल्का सा जेल फॉर्म में ही है, मतलब क्रीमी सा नहीं है, और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा नरिशर, और थोड़ा ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, तो ये आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो अच्छे से। और ये नरिशर वैसे अगर कोई नॉर्मल स्किन वाला भी है वो भी यूज़ कर सकता है समर टाइम में, तो उसको भी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके बाद यू होता है, ये तो मेरे इन्हीं के डब्बे थे मैंने संभाले थे, ये रिसेंटली मंगाया था, अभी मुझे आधा महीना 2 हफ्ता ही हो रहा होगा इसे यूज़ करते हुए, तो ये डब्बे मैंने ऐसे ही रख लिए थे। और जो मेरा सनस्क्रीन है, तो मुझे प्लम का ही अच्छा लगा, तो मैंने फिर से वही मंगा लिया था क्योंकि जेल फॉर्म में था और काफ़ी अच्छा था। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने यही मंगाया है। और ऑयली स्किन के लिए, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उसके लिए यही अच्छा काम करा फ़िलहाल। और रिसर्च करके मैं कुछ और भी ट्राई करूँगी बाद में। और ये है न्यूट्रोजीना का, तो कूलिंग टोनर है ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए, और काफ़ी कूल करता है लगाते हुए। तो ये काया का नहीं है इसलिए, पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने सोचा साथ में इसको भी शूट कर लेती हूँ। तो ये भी ऑयली स्किन के लिए है और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये भी। और फ़िलहाल मैं काया का ही टोनर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। एक काया का टोनर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, एक पिछले एक साल से मतलब यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर तो नहीं लेकिन कर रही थी पिछले समर्स में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी। इसमें स्पेशली मैंने ये इसलिए लिया था, ये इसमें मैंडेलिक एसिड है, हाँ ये मैंने लिया था 1.5 साल पहले, और ये ऑयली स्किन और कम्बिनेशन स्किन के लिए सेम ईयर डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टिफाइड है, और एक्ने फ्री नाम है इसका, और एक्ने फ्री रेंज है काया की जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ और प्रोडक्ट। तो ये पहले मैं यूज़ कर रही थी, मैंडेलिक एसिड है, और मेरी एक बार मुझे याद है 2-3 साल पहले जो डॉक्टर मेरा कर रही थी स्किन ट्रीटमेंट, तो उन्होंने मेरा मैंडेलिक एसिड वाला पील करा था, केमिकल पील जो होता है। तो जो मैंडेलिक एसिड है, तो ये हमारे ऊपर की स्किन की सबसे ऊपर की लेयर पे काम करता है और काफ़ी डीप नहीं जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा हैवी होते हैं तो वो ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, आपके जो सरफेस है स्किन है उससे क्लीन करते हैं। और हाँ, तो जो मॉडरेट एक्ने होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, और जो बिल्कुल ही सेवियर एक्ने होते हैं जिनके, उसके लिए वो अदर केमिकल पील यूज़ करते हैं। तो मेरे उसमें मैंडेलिक वाला करा था, तो उससे मेरी पीलिंग नहीं हुई थी स्किन की, बस नॉर्मली वो एक्ने अपने आप कम हो गए थे, और मार्क्स वगैरह भी, किसी के एनलार्ज पोर्स होते हैं तो उसको भी वो रिड्यूस करने में काम करता है। तो ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टिफाइड है प्योरीफाइंग टोनर, अल्कोहल फ्री है बिल्कुल भी, और मैंडेलिक एसिड है इसमें कि जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को और हेल्प करता है अनक्लोक करने में पोर्स को,
और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है इसमें, कुकुम्बर है जो कि आपको पता है काफ़ी अच्छा टोनर है, विच हेज़ल है जो कि आपको स्किन को सूथ करता है, रोज़ है, और साथ ही साथ इसमें स्किन सूदिंग एजेंट्स भी हैं जो हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस सीबम जो हमारा ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उसको और टाइट करता है आपके पोर्स को और रिड्यूस करता है इरिटेशन को, और आपके स्किन को काफ़ी कंफर्ट फील कराता है, रिफ़्रेश फील कराता है, और आपके स्किन को प्रिपेयर करता है वो आगे की जो आपके एक्ने की ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो ये स्प्रे बॉटल की फॉर्म में है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, बस आप ऐसे स्प्रे कर लेना होता है और उसके बाद मैं अपने स्किन पे से पूरा अच्छे से लगा लेती हूँ। सोचा था मैंने आपको स्किन का ही डेमो दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी आजकल बना चुकी थी एक वीडियो, तो बार बार बनाऊँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ वीडियो पे, तो फिर मैं कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा इस तरह से प्रोडक्ट रिव्यू दे दूँ। तो काफ़ी अच्छा टोनर है, मुझे बहुत ही पसंद है खासकर स्प्रे की वजह से। और ये मेरा टी ट्री ऑयल है, आजकल काफ़ी ज़रूरत होती है टी ट्री ऑयल की, तो सेंट बोटानिका का है ये प्योर टी ट्री ऑयल, और इसका प्राइस था 499 और ये भी मुझे डिस्काउंट में मिल गया था अराउंड 300 का, और काफ़ी अच्छा होता है। मतलब आप किसी भी कंपनी का टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले लो, अब मॉनसून के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा, और गर्मियों में भी जैसे स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है तो आपके आप टोनर में डाल लो, जैसे मेरे तो ऑलरेडी ये टोनर से, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसे एलोवेरा जेल के साथ या थोड़ा ऑयल के साथ मिला के मैं अपना स्किन मसाज कर लेती हूँ अल्टरनेटिव डेज में, तो काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरे स्किन को और अच्छा करने में, और जो भी छोटे मोटे पिंपल्स अगर हो भी रहे हैं तो इस वजह से जल्दी क्योर भी हो जाते हैं। तो टी ट्री पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं बनाऊँगी, और मॉनसून में काफ़ी हेल्पफुल है ये, तो इसलिए मैंने ले लिया था आजकल। और नाइट क्रीम तो मुझे सबसे अच्छी यही लगी है आज तक प्लम की, इसलिए मैंने दोबारा यही मंगा ली थी, तो इसका मैं ऑलरेडी बता चुकी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो काफ़ी अच्छा है ये और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है, जेल फॉर्म में है, और ऑयली स्किन के लिए अभी तक मेरी स्किन के लिए मुझे यही अच्छा लगा है, आगे कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू काया का, और मैं इसे क्यों यूज़ कर रही हूँ और ऑयली स्किन के लिए अच्छी, एक्नो प्रोन स्किन के लिए अच्छी है, और स्पेशली ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टिफाइड है सारे प्रोडक्ट, जो न्यूट्राजीना मैंने दिखाया और जो टी ट्री ऑयल, ये सब ही डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टिफाइड है और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है सारे, इसलिए भी मुझे काफ़ी पसंद है। और हाँ, सनस्क्रीन भी मैंने प्लम का ही यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि ये मुझे यही अच्छा लगा, इसलिए अभी मेरे दो प्रोडक्ट ये प्लम वाले ही यूज़ हो रहे हैं, बाकी मैं काया का यूज़ कर रही हूँ, और कभी कभी मैं ये ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग टोनर यूज़ कर लेती हूँ न्यूट्राजीना का। तो न्यूट्राजीना का मैं ऑलरेडी फेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे वो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है, बाकी मैं और ट्राई करती रहती हूँ नए प्रोडक्ट मुझे जो अच्छे लगते हैं, तो उनका साथ ही साथ मैं कभी रिव्यू भी शेयर कर लेती हूँ या अपना रूटीन शेयर कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरा इनका रूटीन देखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका अपना जो मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट पूरा जो रूटीन है आजकल का समर मॉनसून का, तो मैं वो भी शेयर कर लूँगी बना के। और प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, और कमेंट करें और शेयर करें ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है और जो खुद से ही केयर करना चाहते हैं अपने स्किन को। कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ एवरेज है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, मुझे पूरा ट्राई करना था इसलिए मैंने लिया। और अगर आप एक सीरम भी यूज़ देते हो कमेडोन वाला भी तो भी चल जाएगा, या आप ब्लेमिश वाला लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, तो कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पूरी रेंज ट्राई करनी है, मुझे करनी थी इसलिए मैंने सारा लिया है। आप देख सकते हैं पूरी एक ही एक्ने फ्री वाली रेंज है, ये सब एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, बॉटल पे मत जाइए, बॉटल बहुत बड़ी दी है उन्होंने जबकि क्वान्टिटी काफ़ी कम है, ये 30 ml है और ये 50 ml है नरिशर, और ये 100 ये है 100 ml का टोनर, 50 ml का क्लींजर है ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टेक केयर, बाय बाय।